तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ढेर सारे सवाल या निशान उठ रहे। प्रधानमंत्री अकेला ही मीटिंग करेगा और कोई नहीं करेगा? और कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ? क्या चाहते हैं? एसपी जो बोलेगा वही होगा, इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वही होगा। चुनाव आयोग प्रजातंत्र का हनन और चीरहरण होते हुए खड़ा खड़ा देख रहा है। लेकिन इससे अब ये साफ जाहिर हो जाता है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के रहते हुए पूरे तौर से फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहा है। आप दर्शक बताइए कि हम चुनाव में हैं या रामलीला मैदान में हैं? 2019 लोकसभा चुनाव कई बातों के लिए सुर्खियों में रहा है। नेताओं की अभद्र भाषा, फिल्मी सितारों का सियासत में उतरना, प्रधानमंत्री के अजीबोगरीब इंटरव्यू, इसके अलावा और भी कई कारणों से ये चुनाव पहले के चुनाव से ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। इन सब के अलावा एक और मुद्दा है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सामने आया है। ये मुद्दा है चुनाव आयोग के द्वारा पक्षपात का और चुनाव आयोग द्वारा अपनी रीढ़ की हड्डी खोने का। चुनाव आयोग ने कई नेताओं पर कार्रवाई तो की है, लेकिन जब बात आती है भाजपा के सबसे बड़े दो नेताओं की, तो वहाँ चुनाव आयोग अपनी सारी निष्पक्षता खो देता है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? सीमा पर सेना रखती, चौक चौबंद बंदोबस्त कर दिया, टैंके तोपे लगा दी कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी न कर जाए। मोदी जी ने एयरफोर्स से हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी बार बार चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता की उल्लंघना करते आए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग के पक्षपात की बात दोबारा सामने आने का कारण है आयोग के द्वारा बंगाल में की गई कार्रवाई। चुनाव आयोग ने बंगाल में जो चुनाव प्रचार 17 मई को शाम 5 बजे खत्म होना था, उसे एक दिन पहले 16 मई रात 10 बजे से ही खत्म कर दिया। नो पर्सन शैल कन्वीन, होल्ड, अटेंड, ज्वाइन और एड्रेस एनी पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशन इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन इन 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम 10 PM ऑन 16/5/2019 And till the conclusion of poll on 19/5/2019. आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के इस निर्देश के बारे में और इस निर्देश की हो रही आलोचना के बारे में। शुरुआत करते हैं अमित शाह के बंगाल में 14 तारीख को किए गए रोड शो से। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के चुनाव से पहले साफ निर्देश थे कि चुनाव में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी निर्देश को तोड़ने के लिए आयोग ने योगी आदित्यनाथ, मायावती और आजम खान जैसे नेताओं पर कार्रवाई भी की। लेकिन अगर आप देखें तो खुलेआम अमित शाह के रोड शो में धर्म की राजनीति खेली जा रही है। ये देखकर आप ही बताएं कि ये रोड शो हो रहा है या धार्मिक झांकियां निकाली जा रही हैं। अगर चुनाव आयोग है तो क्या चुनाव आयोग को नहीं बताना चाहिए कि अमित शाह के रोड शो में ये क्या है, ये धार्मिक रोड शो है या राजनीतिक रोड शो है? लेकिन ये खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। आप दर्शक बताइए कि हम चुनाव में हैं या रामलीला मैदान में हैं? यही नहीं, बंगाल जाने से एक दिन पहले अमित शाह ने स्टेज से धार्मिक नारे भी लगाए और ममता बनर्जी को उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाने की चुनौती भी दी। ममता दीदी, मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूँ और यहाँ से कलकत्ता जा रहा हूँ, हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम। लेकिन इस सब के बावजूद भी अफसोस की बात तो ये है कि चुनाव आयोग ने अमित शाह पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। 14 तारीख को ही बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच टकराव हुआ और स्थिति बिगड़ी। अगले दिन अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए कि वह बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रहे। आइए सुनिए। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि जहां व्यवस्थाएं ठीक है वहां तो चुनाव ठीक हो रहे, जहां रेगिंग करने का प्रयास हो रहा है बंगाल के अंदर, चुनाव आयोग मूक प्रेक्षक बना हुआ है। चुनाव आयोग ने तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। अगर इसी प्रकार से चुनाव कराना है बंगाल के अंदर
तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ढेर सारे सवालिया निशान। अब अमित शाह का इतना ही कहना काफी था कि चुनाव आयोग हड़बड़ी में आ गया। अपने मालिकों को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने बंगाल में सेक्शन 324 लगाकर चुनाव प्रचार का समय कम कर दिया, लेकिन ये सब करते हुए भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि प्रधानमंत्री की जो दो रैलियां थी बंगाल में 16 तारीख शाम को, उनमें कोई दिक्कत न आए। इसी को नजर में रखकर रात 10 बजे तक का समय रखा गया, वरना प्रचार का समय 5 बजे तक का होता है। इन 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम 10 पीएम ऑन 16/5/2019 एंड टिल द कंक्लूजन ऑफ पोल ऑन 19/5/2019। चुनाव आयोग को यहाँ चाहिए तो ये था कि वो पहले अमित शाह पर धार्मिक गतिविधियों का इस्तेमाल करने के कारण उन पर कार्रवाई करती, और अगर हिंसा के कारण कोई एक्शन लेना भी था तो बीजेपी और टीएमसी पार्टी पर लेती और उनको प्रचार करने से रोकती। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कदम उठाया जिससे बीजेपी को फायदा हुआ और बाकी सभी पार्टियों को भारी नुकसान। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता पर खुद ही ऐसे फैसले लेकर सवाल खड़े कर रहा है। हमारा मीटिंग तो था कल, तो कैंपेन बंद क्यों कर दिया? प्रधानमंत्री अकेला ही मीटिंग करेगा और कोई नहीं करेगा, और कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ क्या? चाहते हैं एसपीजी जो बोलेगा वही होगा, इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वही होगा, और हम लोग का कोई लोकतंत्र का कोई अधिकार नहीं है? क्यों किया? हमारा मीटिंग तो कल था। हमारा अगर 24 आवर्स मीटिंग कैंपेन बंद कर देगा तो हमको तो मीटिंग एडजस्ट करना है। चुनाव आयोग जिसकी संवैधानिक, नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी है कि निष्पक्ष निर्भीक चुनाव इस देश में हो, आज वो एक डरा थका असहाय और असमंजस की स्थिति में प्रजातंत्र की रक्षा में नाकामयाब और प्रजातंत्र का हनन और चीर हरण होते हुए खड़ा खड़ा देख रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता अब मोदी जी की चुनाव प्रचार संहिता बन गई है। चुनाव आयोग आज अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। यहाँ बंगाल में केंद्र की सरकार के दबाव में आकर मुख्य चुनाव आयोग ने एक दिन पहले जो वहाँ चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है, और वो भी वहाँ आज पीएम की दो रैलियों के खत्म होने के बाद रात्रि 10 बजे से ये रोक लगाई गई है, इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जबकि इनको वहाँ रोक लगानी ही थी तो आज सुबह से ही लगानी चाहिए थी, लेकिन इससे अब ये साफ जाहिर हो जाता है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के रहते हुए इस बार लोकसभा का आम चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहा है। ये इन चुनाव में पहली बार नहीं है कि जब चुनाव आयोग ने अमित शाह और मोदी की तरफ पक्षपाती होने के संकेत दिए हैं। इससे पहले भी इन दोनों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ से कलकत्ता जा रहा हूँ, हिम्मत है तो अरेस्ट करेगा, हिम्मत है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए विजय के संकल्प की मुट्ठी नीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। खैर, चुनाव प्रचार तो आज के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने कदमों से जो अपने ऊपर सवाल खड़े करवाए हैं वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। हम अपील करेंगे कि इस चुनाव के बाद जो भी सरकार आए वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी इन संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए, वरना हमारा लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा। जाते जाते आपको एक रोचक तथ्य के साथ छोड़ के जाते हैं। मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री बनने के 5 साल बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मोदी जी का कमाल देखिए, 50 मिनट चले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी करीब 6-7 मिनट अपने मन की बात मीडिया के आगे बोले तो मोदी जी ने मीडिया के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और मौन धारण करके बैठे रहे। ये कमाल तो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.